हो जी दोस्तों, कितना सब ठीक ठाक? तो यार कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं और एक नया पेज खोलते हैं, आपको क्रोम ब्राउज़र का यानी कि गूगल का ऑफिशियल पेज देखने को मिलता है या आपको मिलता है मिंट नैव, तो सारी कहानी आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, मेरे एक फ्रेंड का भी मैसेज आया था, जब वो गूगल की कोई यानी कि क्रोम में जाकर कोई टैब खोलता है तो उसे जो है गूगल का जो ऑफिशियल पेज होता है वो नज़र नहीं आता है, ये मिंट नैव जो है वो नज़र आ रहा है। तो आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे कॉमेंट हैं कि भाई यार ये कुछ जो है वो कुछ वायरस आ गया है या कोई कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा ट्रिक आजमाइए और आप इस मिंट नैव को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं अपने डिवाइस से। यार ये एक बस जो है वेब पेज ही है एड्स दिखाने के लिए, आपको पता है। तो पसंद आती है वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यार यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। यहाँ पर मैं ट्विटर पे आपको दिखाता हूँ जाकर, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मिंट नैव तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी जो है पोस्ट आ जाती हैं। तो यहाँ मैं या शो मी जस्ट एक्सपोज इंटरनल ब्ला ब्ला दिस मिंट नैव द मालवेयर इज कॉल्ड मिंट वेव एंड ऑल दैट, तो ऐसा जो है वो काफ़ी कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर लेटेस्ट में जाते हैं तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि इनका जो ब्राउज़र है वो कुछ इस प्रकार का हो गया है, तो गूगल का जो है अब नहीं आता है। जब अगर आप यहाँ पर जाते हैं गूगल में तो ये पेज जो है ओपन नहीं होता है, अगर आप जाकर यहाँ पर कोई पेज ओपन करते हैं तो ये इस प्रकार का नहीं आता है, ये जो है कुछ इस प्रकार का आता है। तो यहाँ पर हो रहा है ऐसा, तो आप इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो आपको जो है वो गूगल का अपना चाहिए जो ऑफिशियल होता है। तो सिंपली यार आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपने 3 डॉट पे ऊपर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में आना है और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर होम पेज, यहाँ पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर जो भी अगर मिंट नैव कुछ लिखा हुआ है तो इसे जो है वो डिलीट कर दीजिए एंड www.google या कोई भी आपको पेज जो आप पसंद करते हैं खोलते हैं हमेशा उसे जो है वो आप लगा लीजिए तो वही जो है वो खुलेगा, और वरना आप जो है यहाँ पर क्रोम होम पेज भी लगा सकते हैं, इससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर ये चेंज नहीं होता है एक बार जो है वो एग्ज़िट हो जाइए, और अगर आपको ये सारी एड्स नहीं देखनी है तो यहाँ पर जो है सेटिंग्स में जाकर इसे टर्न ऑफ कर दीजिए तो आप बैक टू नॉर्मल आपके गूगल में आ जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, तो ईजी है। कोई यार मेरे को समझ नहीं आता कि ये कोई मैलवेयर या कोई ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है। छोटा सा ट्रिक है, इस्तेमाल कर लीजिए, वरना क्रोम होम पेज लगा लीजिए तो आप वैसे भी बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, छोटा सा ट्रिक है, मस्ट अप्लाई, एड्स जो है अब देखने को नहीं मिलेंगी इसके बाद। तो ये आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।